गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जो कक्षा सातवीं का विषय रहेगा गणित और दिनांक है 10 अगस्त 2021 को अध्याय पूर्णांक का जो 5 प्रश्न आए हैं उसके आंसर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, क्या पूर्णांक गुणन के अंतर्गत संवर्त होते हैं? यदि हाँ तो उदाहरण द्वारा समझाइए। तो पूर्णांक गुणन के अंतर्गत संवर्त होते हैं, पूर्णांक गुणन के अंतर्गत संवर्त होते हैं, हाँ लिख दिया है। और ये हमने -20 × -5 को मल्टीप्लाई किया तो 100 आ गए। अतः 2 पूर्णांकों का गुणनफल पुनः 1 पूर्णांक ही होता है, अतः पूर्णांक गुणन क्रम के अंतर्गत संवर्त होते हैं। पहले प्रश्न का ये आंसर था। फिर हम बढ़ रहे हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। नीचे दिए गए कथनों में पूर्णांकों के किस गुणधर्म का प्रयोग हुआ है? तो 2 × 3 = 3 × 2 = 6, ये क्रम विनिमेयता गुणधर्म है। फिर है दूसरा दिया हुआ है, आपको दिख ही रहा है, a+b × c = तो ये साहचर्य गुणनधर्म का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो ये दूसरे का आंसर था। फिर तीसरा प्रश्न है, गुणन के लिए क्रम विनिमेय गुणधर्म को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। तो 3 × 5 = 5 × 3, ये आपके क्रम विनी में ये हम ऊपर देख चुके हैं पहले दूसरे के पहले में। फिर चौथा प्रश्न है, साहचर्य गुणधर्म का प्रयोग कर गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो -18 + −10 × 9, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको साहचर्य गुणधर्म से सरल किया है तो ये 1620 आ रहे हैं। तो आप इसको आराम से देख कर लिख सकते हैं। फिर पांचवा प्रश्न है, गुणात्मक तत्समक लिखिए। तो पूर्ण संख्याओं के लिए 1 गुणात्मक तत्समक होता है, जैसे 1 × 1 × a = 1 ही आएगा। ये गुणात्मक तत्समक लिख दिए हैं हमने। तो साथियों, इस तरह से ये 5 प्रश्न थे। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।